सूर्या और गाइज आज हम आए हुए हैं फूड वॉक करने और हमारी सेकंड फूड वॉक है। अभी हम आए हुए हैं नानक नगर और इस बार भी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, पहली बार मिल रहे हैं और कुछ पुराने वाले फूड वॉक वाले हैं। और फिलहाल हम अपनी स्टार्ट करने लगे हैं फूड वॉक की जर्नी, बहुत मज़ा आने वाला है। और आज का हमने टाइम रखा था 1:30 बजे क्योंकि आज संडे है। हेलो 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 अनुज, आए हुए सबसे पहली जगह वो है शेको बार। मैं जब भी यहाँ से गुजरती थी मैंने बहुत बार देखा है, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं यहाँ की शेक्स। अलग अलग शेक्स हैं, मॉकटेल्स हैं, खाने के लिए भी है। और ये है बिल्कुल खालसा चौक बरमानी के सामने और शिवाजी चौक के पास, बस हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे। सो आ जाओ ट्राई करते हैं। शेको बार में आके अगर शेक ट्राई नहीं किया तो क्या ही फायदा हुआ है ना। तो अभी जो है वो बन रहा है ब्राउनी शेक। पहला ऑर्डर हमारा ब्राउनी शेक का ही गया और प्राइस की बात की जाए गाइस, इसका प्राइस है ₹140 और बस अभी बन रहा है। जल्दी से जैसे ही बनता है वैसे ही आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। काफी थिक है, मैंने इसमें ब्राउनी डाली है, आइसक्रीम डाली है, बढ़िया टेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने ऑर्डर की है वो है ब्लैक पैंथर। और ब्लैक पैंथर कोई एनिमल ही होने वाला है, एक होने वाली है मस्त सी एग्जॉटिक सी ड्रिंक। तो चलो फिलहाल अभी हो रही है उसकी मेकिंग, तो देखते हैं और ट्राई करते हैं, रिव्यू देते हैं, प्राइस बताते हैं कैसा है। हमारा आ चुका है ब्लैक पैंथर और ट्राई करते हैं इसको। तो यानी कहा इसको एकदम उसी टाइम इंस्टेंट ट्राई करो, उसकी फिर स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा है, खट्टा मीठा, ऐसे रिफ्रेशिंग सा है, गर्मियों समर्स के लिए बेस्ट है। जलजीरा और कोका सारा ड्रिंक्स टेस्ट करने के बाद कि हमने सोचा कि चलो कुछ खा भी लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि क्या क्या है। और हमारी पहली नज़र पड़ी मोमोज पे क्योंकि मोमोज हम सबके फेवरेट थे और हमने ऑर्डर किए हैं मलाई मोमोज और अभी बन रहे हैं ढेर सारी क्रीम डाल के, मेयोनी वगैरह डाल के मलाई मोमोज। बटर टेस्ट की अगर बात की जाए तो मोमोज काफ़ी ज़्यादा थिक हो गए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो मेयोनी है और मलाई जो थी वो ऐड कर दी थी तो थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, पर जो उसकी फिलिंग थी वो अच्छी थी, चटनी के साथ अच्छा लग रहा था, टेस्ट जो है वो एनहेंस हो गया। हम आए हैं हम्प्टी डम्प्टी जो कि है नियर शिव मंदिर, रेलवे रोड है। तो यहाँ के नान हम ट्राई करने वाले हैं, मुझे किसी ने बोला था कि यहाँ आओगे तो नान पक्का ट्राई करना। चलते हैं, ब्लॉगर्स देख लो साथ के सारे काम लगे हैं। सो आ जाओ अंदर। नान कौन सा अच्छा वाला है? पनीर वाला, बढ़िया वाला पनीर वाला। तो एक प्लेट पनीर की लगाना। मैं बोल रही थी इनकी जो स्पेशल लस्सी है ना वो स्पेशलिटी है। ये आ गया पनीर। फोन
दिन के कितने बनाते हो नान? है सात आठ सौ नान बना लेते हो? थकते नहीं हो? पूरे दिन लगे रहते हैं दो बंदे, आप आठ सौ बनाते हो नान? अभी हम आए हुए हैं बख्शी फूड कॉर्नर जो कि है खालसा चौक में, और यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं का बर्गर, जो टिक्की होती है उसमें चौमिंग भी होती है, एकदम देसी बर्गर विद ढेर सारी सॉस। तो अंदर चलते हैं ट्राई करते हैं, बिल्कुल खालसा चौक के पास है। बर्गर का जो साइज था वो काफी बड़ा था, तो अगर आप उसको एक अटेम्प्ट में खाने की कोशिश करोगे तो थोड़ी दिक्कत जरूर होगी। टेस्ट वाइज ठीक लगा मेरे को, कभी आप आ रहे हो तो ट्राई कर सकते हो। सिर्फ एक वो इतना सब कुछ खाने के बाद लास्ट पे हम रुके मोमो चटनी, और हमने इसकी बहुत हाइप सुनी थी इंस्टाग्राम पे, हमने कहा चलो नया है तो रिव्यू करते हैं। और लोकेशन की बात करें गाइज, तो ये जो रेलवे रोड है उसी पर है, एकदम जे एंड के एटीएम के बिल्कुल पास। और ये रहे इनके मोमोज, वेज भी सर्व करते हैं, नॉन वेज भी होते हैं। तो हमने दो प्लेट्स लिए थे, हमने वेज खाए और बाकी जो लोगों ने उन्होंने नॉन वेज ट्राई किए। नमक बहुत ज़्यादा है और जो स्टफिंग है वो बड़ी कच्ची है यार, कुछ ज़्यादा कुछ खास फ्लेवर नहीं है। ओके ओके, हाँ मतलब फ्लेवरफुल होता है, जैसे कोई गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है कुछ, बहुत ज़्यादा नमक है। आई होप जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, पर आज थोड़ा सा ओके ओके था। तो गाइज ये था आज का व्लॉग, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज के फूड वॉक में। हर हफ्ते नई वीडियोस आती हैं, पर उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जाओ जाके सब्सक्राइब करो, और हाँ शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। बाय।